अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम बरादरान इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और अब ये ईद जो है आप लोग अपने घरों में मनाइए, क्योंकि हालात ऐसे हैं, ये कोरोना की तरफ से जो हालात हैं, इसीलिए हमको घर ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहना है। और हमें अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग जो इबादत किए हैं, जो रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाएँ। और कई करोड़ों लोगों ने ये दुआ की है कि कोरोना को ख़त्म होने के लिए, कोरोना ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे हालात सुधार दे और कोरोना दुनिया से, सारी दुनिया से ख़त्म हो जाए कोरोना। मेरी दुआ है, मेरी भी दुआ है, अल्लाह हम सब के इबादत कबूल करे और जो दुआओं को भी कबूल किए करे। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की उम्मीद है हमारे हमको। और आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ईद मनाइए, अपने अपने घरों से ज़्यादा मत निकलिए बाहर, घरों में रह के ईद मनाइए और जितना हो सकता घरों में ही रहिए आप लोग। और ये सारी दुनिया में जो वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला हमको इससे जल्द से जल्द नजात दिलाए। और जो कोविड से जो इंतकाल हुआ है, जिसका जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। ये दुआ के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हाफिज़।